ओम शांति। 4 अक्टूबर 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा हमें ड्रामा के गूह्य रहस्य को समझाते हुए कहते कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अलग है। किसी भी एक एक्टर का पार्ट या फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। इस ड्रामा के मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर हैं शिव बाबा, जो कि नॉलेजफुल और ब्लिसफुल हैं। बाबा हमें समझाते कि हमें सर्वशक्तिमान बाप को सदा अपना साथी बनाकर रहना है, क्योंकि जब बाबा साथी होंगे तो सर्व शक्तियाँ भी सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता निश्चित है। यदि सर्वशक्तिमान बाप के साथ की स्मृति में कमी है तो माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है और सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। बाबा कहते, हम बच्चे जब इस एक जन्म में पवित्र रहते हैं तो 21 जन्मों की राजाई पाते हैं, इसलिए हमें पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से ही लेन देन करनी है। सबकी दुआएं लेने के लिए हमें सर्व आत्माओं को सहयोग देना है। तो चलिए सुनते हैं आज की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न, इस ड्रामा के किस गूह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पाठ बजाते वह कमज़ोर पाठधारी हुए। सभी पाठधारियों में परमात्मा व्यापक हो अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, वह रोंग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं, वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं व मन को अमन कर देते हैं। नहीं, वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब
तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग, प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा न सकें। ये ड्रामा है ना, इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबर वार आना है। आत्माएं भी नंबर वार है ना, कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पाठ बजाते हैं वह तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पाठ है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का, जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं? अखबार में भी डालते हैं तो मनुष्यों को खींच हो कि फलाने को देखें। कोई को पता नहीं कि यह बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज़रूर बैठना चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं तुमको मैं कितनी बार ज्ञान सुनाता हूँ। हम, तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है, गॉड इज वन, दूसरे नाम निशान नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन तीन देवताओं में नंबर वन है ब्रह्मा, ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा, फीचर्स तो एक जैसे ही हैं। तो ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदिदेव, आदिदेवी उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है, यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वे ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं, तुम्हारा यज्ञ है रूहानी।
उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं, वे यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, यह है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता, मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में। तो ऊंचे से ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान न होने कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी, आपे ही जानो। ज़रूर कोई चीज़ है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। ज़रूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गत मत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है, सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, यह फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचे ते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए। ऊंचते ऊंच शिव बाबा फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं, भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है, कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो वहाँ रहे पड़े थे। तुमको किसका संग नहीं था, संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते, स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं हैं। दो स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते, क्लास में एक दो के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे दो हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को, तुम हो रूहानी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचें। वहाँ तो साइकिलों की घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध रेस की रेस है,
तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने लिए ही कहा जाता है। कोई यह नहीं कहा जाता है कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब बाप से वर्षा लो। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। यह तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। भल विनायत में रहो परंतु सात रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और सात रोज रहना है, तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है। बाप पढ़ाते हैं, अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा रांझू रमजबाज है तो रमज यानी युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भू भू करके पति को ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा पॉइंट, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सबकी दुआएं लेनी हैं तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ओम।